हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ईशान मोबाइल गुरु पर। दोस्तों, आज हम आपको एलसीडी सेपरेटर के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि हमारा एलसीडी सेपरेटर ख़राब हो चुका है। इसका वैक्यूम काम नहीं कर रहा है। जब भी हम इस पे एलसीडी को रखते हैं और उसको टच पैड से अलग करते हैं, तो हम उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं और हम इस एलसीडी सेपरेटर को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल ईशान मोबाइल गुरु को और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको खोलेंगे और इसको खोलने के बाद हम चेक करेंगे कि इस एलसीडी सेपरेटर में कहां पर परेशानी है, कहां पर फॉल्ट आ रहा है जिससे कि इसका वैक्यूम काम नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसमें एक मोटर लगा हुआ है और एक कंप्रेसर लगा हुआ है और एक अडाप्टर लगा हुआ है जो कि 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर का अडाप्टर है। सबसे पहले हम इसके अडाप्टर को खोलेंगे और अडाप्टर को खोलने के बाद चेक करेंगे कि अडाप्टर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस अडाप्टर के अंदर जो ये सर्किट दिखाई दे रहा है, ये सर्किट इस अडाप्टर का नहीं है। इसमें किसी मोबाइल के चार्जर का सर्किट फिट किया हुआ है, जिसकी वजह से वैक्यूम के मोटर को पूरी सप्लाई नहीं मिल रही है और वह प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर की मदद से और मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे 750 वोल्ट की रेंज पर, क्योंकि हम अब चेक करेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बिल्कुल बराबर आ रही है, जो कि 250 और 60 के बीच में शो हो रहा है। अब हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज पर सेट करेंगे, 20 वोल्ट डीसी रेंज पर सेट करेंगे और देखेंगे इस सर्किट से कितनी डीसी सप्लाई निकल रही है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें डीसी सप्लाई कुछ भी शो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सर्किट है ये काम नहीं कर रहा है और इसलिए इस एलसीडी सेपरेटर का मोटर काम नहीं कर रहा है और वैक्यूम काम नहीं कर रहा है। अगर दोस्तों ये सर्किट ठीक भी होता तब भी इसका वैक्यूम काम नहीं करता, क्योंकि ये जो सर्किट है ये 5 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 एम्पेयर का होगा, क्योंकि इसके वोल्ट कम होने की वजह से ये काम नहीं करता। अब हम सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई निकालेंगे, क्योंकि इसके सर्किट को हम चेंज करने वाले हैं। इस सर्किट की जगह हम दूसरा सर्किट चेंज करने वाले हैं जो कि 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर का होगा, क्योंकि इस वैक्यूम के मोटर को 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर की सप्लाई की ज़रूरत है। 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर की सप्लाई इसमें सही से काम करेगी। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये सेट ऑफ बॉक्स का चार्जर है जो 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर का है और आप लोग देख सकते हैं ये अडाप्टर जो है, ये वैक्यूम का जो अडाप्टर है
ये भी 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर का है, जो कि सेम टू सेम है। अगर हम इस चार्जर के सर्किट को इस अडोप्टर के अंदर फिट करेंगे तो इसका इस एलसीडी सेपरेटर का वैक्यूम का काम करने लगेगा, यानी कि एयर कंप्रेसर सही से काम करने लगेगा। अब सबसे पहले हम इस चार्जर को खोलेंगे और चार्जर को खोलने के बाद हम इस चार्जर के अंदर जो सर्किट है उसको बाहर निकालेंगे। हम इसको चार्जिंग अडाप्टर भी बोल सकते हैं, चार्जर भी बोल सकते हैं, जो कि मार्केट में आसानी से 100 या 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले इसकी एसी सप्लाई निकालेंगे। एसी सप्लाई निकालने के बाद हम इसकी डीसी सप्लाई को भी अलग करेंगे। और ये जो हमारा पुराने अडाप्टर का सर्किट है, इसकी एसी सप्लाई को हम नए सर्किट में फिट करेंगे, यानी कि एसी सप्लाई को हम अटैच करेंगे इस नए सर्किट से। दोस्तों, जब हम इसमें एसी सप्लाई फिट करेंगे तो उसको हम उल्टा और सीधा किसी भी तरह से फिट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डीसी सप्लाई जब हम फिट करेंगे तो इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि डीसी सप्लाई हम उल्टी नहीं लगा सकते। अगर हमने पॉजिटिव सप्लाई की जगह नेगेटिव सप्लाई लगाई तो इस एलसीडी सेपरेटर का मोटर भी ख़राब हो सकता है, एयर कंप्रेसर ख़राब हो सकता है और सर्किट भी ख़राब हो सकता है और इसका सर्किट जल भी सकता है। अब हम सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लगाएंगे और सप्लाई लगाने के बाद पहले फिट करने से पहले चेक करेंगे कि ये सर्किट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हमने इसको पैक कर दिया और सर्किट सही से काम नहीं करेगा तो फिर इसको दोबारा खोलना पड़ेगा और हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसके स्विच को ऑन कर रहे हैं तो इसका इंडिकेटर चालू हो रहा है इसका, और वैक्यूम भी चालू हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये सर्किट जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब हम इसको चेक कर चुके हैं, अब हम इसको कवर के अंदर फिट करने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई निकाल देनी होगी, क्योंकि अगर सप्लाई लगी होगी तो हमको शॉक भी लग सकता है, जो कि ख़तरनाक होगा। अब इस सर्किट को हम कवर के अंदर फिट करेंगे, लेकिन ये सर्किट थोड़ा बड़ा होने की वजह से फिट नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, हम इसको इस तरह से फिट करेंगे और इसको फिट करने के लिए हमको टेप यूज़ करना होगा। इसमें हमको टेप लगाना होगा।
क्योंकि ये सर्किट थोड़ा बड़ा होने की वजह से ये बराबर फिट नहीं हो रहा है, सही तरीके से फिट नहीं होएगा, तो इसलिए हम इसमें टेप लगा देंगे, जो कि टेप लगाने के बाद भी हमको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, वैक्यूम प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देंगे और अब इसके स्विच को हम ऑन करके देखेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने वैक्यूम के स्विच को ऑन किया तो वैक्यूम सही तरीके से काम कर रहा है और वैक्यूम चालू हो चुका है। अब हम इसमें एलसीडी को लगा रहे हैं तो देखिए दोस्तों, एलसीडी बिल्कुल सही तरीके से चिपक रहा है और जो कि टाइट होकर चिपक रहा है। अब हम इस सेपरेटर को इस्तेमाल में ले सकते हैं और इस सेपरेटर से हम काम कर सकते हैं, यानी कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जो कि आप लोग देख सकते थे, पहले इसमें एलसीडी चिपक नहीं रहा था, इसमें हम काम नहीं कर सकते थे। अब हम दोस्तों इस एलसीडी सेपरेटर से डिस्प्ले और टच को अलग करके दिखाएंगे। डिस्प्ले और टच को अलग करने के लिए हमको कटिंग वायर का यूज़ करना होगा। कटिंग वायर लेकर एलसीडी और टच पैड के बीच में हमको इस तरह से घुमाना होगा। इस तरह से धीरे धीरे घुमाएंगे तो एलसीडी और टच पैड अलग हो जाएगा। दोस्तों, आपके एलसीडी सेपरेटर का अगर वैक्यूम ख़राब हो जाए तो आप भी उसको इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।